पति के सरकार बीजेपी के बने तो और खराब वृद्धा पेंशन भी खत्म करने जा रहा है क्या करेगा बेटा हम लोग का खास से बेसि नहीं ना है कि जो बेचेंगे थोड़ा बहुत बिका है बहुत कष्ट तो है, वे है, तो है। मजदूरी तीन सौ रुपया है तो पूंजी साफ है खेती में वही फायदा है कि जो घर का हुआ ना तो खा पी के अचा दिया खेल कर अब जैसे जैसे ई पीते हैं इसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना चाचा तो सरकार दे तो तो है तो बीमारी दुखी तो जिन के जिन के जाये किलो तो अभी बनिया ले रहा है एक रुपये एक रुपये चालीस रुपये मन हुआ एक रुपये किलो आपका बनिया ले रहा है धान और अगर चावल जो खरीदा जाएगा दुकान में जाके उसी बनिया से खरीदिएगा तो चावल कैसे किलो में मिलता है चावल तो तीस रुपये मिलता है कब से कम पीते तीस रुपये धनिया क्या क्या मतलब खेत में आके फिर मेहनत करता है क्या कुछ नहीं हो तो भाई घर बैठा हुआ है।, है अभी जो है पटना जिला में ही है फुलवारी शरीफ का जो ये ग्रामीण इलाका है देखिए वहाँ कुछ किसान भाई लोग हैं हमारे देश के अन्नदाता हैं वहाँ जाएंगे उनसे कृषि बिल पर बात करेंगे देश के मुद्दे पर बात करेंगे यहाँ की क्या समस्याएं हैं यहाँ के किसानों को क्या समस्याएं हैं खेती में कितना लगता है खेती में से आता कितना है घर कैसे चलता है परिवार कैसे चलता है बेटी का शादी कैसे होता है भतीजी का कन्यादान कैसे होता है सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे कैश का क्या संसाधन है पैसा जो है रुपया वो कहाँ से आता है सारे मुद्दों पर बात करेंगे तो देखिए अभी जो है आगे चलेंगे अभी बने रहिए आइए हमारे साथ सही बात बताइए चाचा किसानी जो है आप कितना दिन से कर रहे हैं हम तो कर रहे हैं साठ वर्ष से साठ वर्ष से किसान में ही अपना जो है खेती खेतों में ही अपना जिंदगी दे कृषि बिल आया है 2020 वाला आया है सरकार लाई है बहुत तरह से जो है लोग किसान उसका विरोध कर रहे हैं सबका अलग अलग वजह है क्या लग रहा है कि बिहार के किसानों को दिक्कत है कुछ अभी तो हम लोग को कोई दिक्कत ना है जी समझे न पैसा सरकार बीच में किया था कि किसी वाले को कुछ पैसा मिलेगा तो दो महीने दो एक साल दिया दो हजार तीन बार उसके बाद वो भी खेल ख़त्म कर दिया अब वृद्धा पेंशन भी ख़त्म करने जा रहा है क्या करेगा अल्लाह बेटा जाना चार सौ रुपया महीना दो सौ देता था दो सौ दो सौ से चार सौ किया लेकिन वो भी सही नहीं देता है अच्छा जैसे अभी धान का सीजन चल रहा है धान जो है आप खेत से कट करके लग गया है अभी इस पर पूरा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं खेत में ही घर जो है आप अपना खेत में ही आकर के शिफ्ट कर लिए घर बना दिया है ना यहाँ तो ये बात बताइए जब बच्चा की तरह इसको धान को आप पौधा को पाल पोष के बड़ा करते हैं फिर इसका जब कटाई होता है तो धान तो हर घर में होता होगा अभी तो बेचेगा कहाँ आप लोग कहाँ बेचते हैं हम लोग का खाए तो बेची नहीं ना है कि जो बेचेंगे थोड़ा बहुत बिका दो चार दस मन बीस एक मन में कितना किलो होता किलो। किलो। मतलब मन, मन, हाँ, है चालीस तो होगा ना जैसे साफ हुआ जी। तो वही खेत में आहकी गा, तो ले जा जो आता है सरकार की ओर से आता है या फिर ना आता है तो जैसे खुले हुए है ना मिल रेस मिल वाला सर रेस मिल हां हा। तो संयम है ही है गुनपुरा पंचायत में अच्छा सड़क पर सरकार वाला है रेस रेस मिल तो पेक्स वाला भी होता है ना पेक्स वाला है पेक्स वाला वो तो पेक्स का है मिल समझो ना कैसे तो किलो होता कैसे क्विंटल वो लेता था 1800 रुपए क्विंटल 900 रुपए मान सौ रुपए अच्छा समझा ना अठारह सौ का अठारह सौ का कुंटल परसल लिया था सरकारी रेट था सरकारी रेट था अभी इन तो अभी आया ना है और अभी दाम भी सुन रहे हैं कि एक हजार नौ सौ बारह सौ यही चल रहा है तो अठारह सौ था एक हजार नौ सौ बारह सौ जब आ गया तो कैसे काम चलेगा तो वही तो बात है तो इसीलिए लड़ाई न हो रहा कि भाई ऐसा काय हुआ पर्सा लिया अब अठारह सौ का इन साल अभी हाँ? जबकि कोरोना वगैरह का संकट संक्रमण वगैरह है बहुत कष्ट है मजदूरी तीन सौ रूपया है एक मजदूर का काम कराएगा तो तीन सौ रूपया लेबर का समझा अब दे नहीं पाते हैं तीन सौ रुपया होगा तबे तो न कहा चला में जैसे ये तो? कितना जितना धान है एक कट्ठा में कितना होता है धान एक कट्ठा में यही एक मन डेढ़ मन यही होता है धान हो जाता है तो मतलब अब मजदूर कितना लग जाता है पूरा काम कराने में जैसे धान रोपनी पटौनी सब होता होगा ना हाँ तो सात रोपनी सात आठ रोपनी रोपता है एक बीघा समझे ना तो सात सौ हो गया सात गौ हो गया एगो को तीन सौ देते हैं नहीं रोपनी एक के सौ लेता है मर्दाना जो है वो हाँ। कारिया पगड़िया या हल जोता ना वो तीन लेता है अच्छा अगर जो मशीन से जो तो आया तो बाईस सौ चौबीस सौ अठारह सौ रुपया बीघा जोता है जो समझा ना अच्छा, अच्छा। तो मैंने दो सौ डेढ़ सौ रुपया पड़ा यही हिसाब है समझा ना अच्छा ये हमको जैसे बताइए अच्छा। पूरा मिलाता अच्छा। जन अच्छा। मान लिए कि जैसे आप धान का कहीं बीज लगाते होंगे उसके बाद फिर धान वहाँ से उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाया जाता है खेत को जोता जाता है उसमें पानी डाला जाता है पटवन कराने में वो भी दूसरे के बोर्डिंग से ही करवाते होंगे ना अपना बोरिंग हाँ। है है अपना बोरिंग तो कुल तो मिला करके अगर मान लीजिए अगर दूसरे का बोरिंग रहे सब मिला करके एक कट्ठा धान तैयार करने में कितना खर्चा हो जाएगा एक कट्ठा में करीब करीब तीन सौ रुपये तो अढ़ाई सौ खर्चा हो जाएगा कट्ठा बीघा में कम लगेगा हम पूरा में ज्यादा लगेगा अच्छा हम पूरा पूछ रहे हैं जब धान हाँ। रोपनी से लेके तैयार होने तक हमें मजदूरी देने में बता रहे हैं जैसे अभी हम एक कट्ठा खेत रोपना है तब वो अकावेगा एक सौ लेंगे डेढ़ सौ लेंगे हम्म अब रोपवाना है तो कंधे नहीं है नहीं। आ एक बीघा में तो उसमें तीन कट्ठा रोपता है एक आदमी तो इसलिए एक आदमी रखता है तो तीन कट्ठा रोपाता है तो सौ रुपये में यानी कि जिसके पास हुआ बीघे बीघा के बीघा जो खेत है उस सबको थोड़ा फायदा है थोड़ा जान बचता है लेकिन जिसका जैसे छोटे किसान है आप लोग छोटे किसान है ना तो छोटे किसान सबका तो कुछ बचत होता नहीं होगा ना वो तो ले पूंजी साफ है मन खेती में वही फायदा है कि जो घर का हुआ ना तो खा पी के औचा दिया खेल खत्म तो मतलब खेती में बस इतना ही फायदा है कि खा पी के के लाना नहीं पड़ता है बनिया से अपने बालो बच्चे खा पी के औंचा दिया वही में अच्छा आप जैसे आप और, और और क्या कुछ करते हैं मतलब पैसा का तो जरूरत होगा ना चाचा पैसा तो है अब जैसे जैसे ई पीते हैं इसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना चाचा ये तो सरकार दे है सरकार दे रहा है पैसा अच्छा ये पीने के लिए सरकार देता हाँ, है फैसे? चार सौ रुपए महीना देता है ना क्या चीज के लिए अब जो कीजिए खाइए पीजिए तो खाए पिये ला दे है। अच्छा, तो मतलब सरकार जो चार सौ रुपया महीना देता है तो इससे इससे चलता है हाँ, चलिए सरकार देता है अच्छा हाँ, आ, हम जैसे ये कह रहे थे जैसे आप किसानों की बात कहें तो छोटा जो किसान है और तो नगद का कहाँ से शुरू है आपका नगद वही गाय भैंस पोसे हुए तो दूध दही मैंने बेचा तो वही नगद पैसा गोईठा का बेचा तो वही पैसा या पूरा जो है बिका तो इसका पैसा हुआ थोड़ा बहुत बिका तो बिकेगा पचास रुपये सैकड़ा है पिटाई है सौ रुपये है सवा सौ रुपये बिक्री है तो काम मिलेगा पचास पचपन सौ रुपया एक हजार एक सौ मतलब तो दिक्कत दिक्कत तो लगता होगा ना कि खेती इतना आप मेहनत से करते हैं अपना खेत पे जो बटाई करता हुआ सबको तो और दिक्कत उसको तो दिक्कत है वो का वही है जो रात तो तीन हजार साढ़े तीन हजार रुपया लग गया चार हजार धान का धान का वही धान है चालीस मन धान पचास मन ना होगा मतलब ये देखिए जो इधर जो पूरा आपको धान जो दिख रहा है बटाई पे किया हुआ है अगर इसका जो दाम लगाया गया तीन हज़ार के आसपास रुपया जो है पूरा धान का इकट्ठे में लगाया गया यानी कि बटाई में ये होता है ये व्यवस्था होती है कि खेत दूसरे का होता है आप उस पर जा के काम करते हैं और उसके बाद जो है उसका आधा जो हिस्सा है जो खेत के जो मालिक हैं असली हकदार हैं उनको आपको देना होता है तो ऐसे जो छोटे किसान होते हैं अपने जीव को जीवकोपार्जन के लिए इस तरह की जो है गतिविधि करते हैं ये एक सिस्टम है गांव के भीतर लेकिन जैसे कि चचा कह रहे थे कि मतलब खेती करने के बाद नगदी का कोई स्रोत नहीं बन पाता है ना ना उससे कोई खेती जो लेता है ना उसमें नुकसान है लेकिन फायदा ना है लेकिन अब क्या कर रहे हो वही करके खाना है अच्छा चाचा ये कहते हैं सरकार कहती है देखिए भारत तो एक कृषि प्रधान देश है भारत का पूरा व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था कृषि पे ही डिपेंड है तो ऐसे में दिक्कत तो, तो है, है। बीमारी दुखी तो महाजन खेत बेचिए जाके काम चलेगा सरकारी स्तर पर क्या लगता है कि कोई नीति ऐसा आना चाहिए नीति तो आना चाहिए उसको पैसा कम से कम बढ़ाना चाहिए इसका भर का धान हो चाहे गेहूँ हो चाहे रब्बी हो रबी हाँ इसका दाम बढ़ाना चाहिए मूल धान देना चाहिए जैसे धान है धान आप कैसे अगर किलो के हिसाब से बात करें हाँ तो कैसे किलो लगता है तो किलो तो अभी बनिया ले रहा है एक रुपये एक रुपये तो चालीस रुपये मन हुआ एक रुपये किलो आपका बनिया ले रहा है धान और अगर चावल जो खरीदा जाएगा दुकान में जाके उसी बनिया से खरीदिएगा तो चावल कैसे किलो मिलेगा तो चावल तो तीस रुपये देगा कम से कम तीस तीस रुपये बत्तीस रुपये से कम नहीं है अब बनिया क्या क्या मतलब खेत में आके फिर मेहनत करता है क्या होता कुछ नहीं वो तो भाई घर बैठा हुआ है बेच रहा अपना खा रहा ला रहा दुकान से अपना बेच रहा अब देखिए इस देश की इससे विडम्बना नहीं, नहीं कही जाए तो और क्या कहा जाए ये किसान है खेत में आकर के मेहनत करते हैं अपना खून पसीना जो है खेत को आकर के समर्पित कर देते हैं और इनके बच्चों का इनके जो परिवार का जो है पूरा आस जो है आस का दिया इनका परिवार इसी खेत के जो इसी धान पे जो है लगा करके रखता है कि अगर यही फसल जो है उपजा होगी और इसी फसल से जो है दाने निकलेंगे और इसी को चुग चुग करके जो इनका परिवार है अपना पेट भरेगा लेकिन दाम देखिए व्यवस्था देखिए किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है बाजारीकरण की एक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं किस तरह से बनाई गई है कि गांव के ही महाजन जो बनिया होते हैं जो खरीदार होते हैं वो एक रुपये प्रति किलो धान खरीद के ले जाते हैं और उसी बनिए के दुकान में अगर आप उस धान की कीमत उस अगर आप चावल ख़रीदने जाएं तो वो जो है तीस रुपये किलो से कम आपको नहीं मिलेगा यानी कि उन्होंने ना खेत का उन्होंने शकल देखा न वो उन्होंने आके खेत पर मेहनत की ना उन्होंने कुछ किया और सिर्फ घर बैठे बैठे उनतीस रुपये का जो है उन्हें फ़ायदा हो जाता है तो क्या लगता है सरकार आटा है चौदह रुपये बेचता है गेहूँ काटा है सरकार देता है तीन रुपये राशन में वो भी बाजारी है कोटेदार देता नहीं बेच लेता है ले जाके दूसरे जगह कोटेदार को देता नहीं है तीन महीना से तो क्या दो महीना से कोटा कोटा भी नहीं मिला है इंतजार देख रहे हैं कि कब कोटा में अच्छा जैसे आप लोग जैसे छोटे किसान हैं तो पूरा कोटा के पर भी आश्रित रहना पड़ता है हाँ, खेती के बावजूद हाँ जी हाँ, न देगा तो खुंचेगा इतना से मतलब पुरता भी नहीं ना अब एक बीघा हम खेती किए हुए हैं अब एक बीघा में कितना धान होगा तीस मरना पैंतीस धान होगा तो बीस मन चावल होगा है तो दुए किलो तीन किलो अगर चाहे रोज पका दस आदमी हैं तो दो किलो तीन किलो तो पकेगा तो तीस नब्बे रुपया तो हो गया लाने जाइए तो नहीं तो वही खाइए है बाहर के जो किसान है चचा एम एस पी सब पे कर रहे हैं कह रहे हैं कि धान का जो है कम से कम एक जो है फिक्स रेट होना चाहिए जैसे जिसका जो न्यूनतम लागत मूल होना चाहिए समर्थन मूल होना चाहिए क्या लगता है ऐसा चीज़ होना चाहिए अच्छा होना तो चाहिए लेकिन सरकार करेगी तब ना सरकार नहीं कर रही न सरकार मानती तो आज बैठक होता नौ गो बैठक हो रहा है ना नौ तो बैठक हो गया सात गो हाँ अभी खबर आती है चाचा की नौ गो हो गया सात गो हो गया पेपर लेते हैं तो पढ़ते ना पेपर में आता तो नजर नजर बनाए बनाए रखते हैं। नजर तो? बनाए रखते हैं हैं अच्छा चाचा ये बात बताइए अंतिम सवाल हम करना चाहेंगे आपसे क्या लगता है जो सरकार किसानों के लिए जो देश का अन्नदाता है देश की रीढ़ की हड्डी है उसके लिए सरकार अच्छी है सरकार अच्छी रहती तो आज ई दशा देखे पड़ता सरकार भी मुलायम है समझा ना टाइट नहीं है उसको तो हालत खराब किए की चाइना पाकिस्तान ये सब हिंदुस्तान अच्छा तो, समझा ना हाँ उसका तो रीढ़ का हड्डी अपने टूटा हुआ लेकिन अब किस पर जाए तो किसान पर बछाल लावे है तो किसान न पर मतलब... ना पेरेगा इसको तो उ, उ, देगा कहाँ से समझा ना नैठे हुआ है ना मोदी तो उनका भी हालत खराब किए हुआ है चाइना पाकिस्तान दोनों मिलके अच्छा हाँ कभी हुआ मारे है गोली कभी हुआ मारे है चार गो हुआ मारे मारे तो यही तो हो रहा है, अच्छा में बात आती है जो उद्योगपतियों की बात आती है पूंजीपति हाँ, तो की, की बात आती है।, है।, क्या वो खेती को इफेक्ट कर रहा है प्रभाव डाल रहा है खेती पे आ, पति उसको कहा जरूरत है आप बोले ना अभी तो आप बोल रहे थे जैसे एक रूपए खरीद के ले जाता है वो तो ले ही जाएगा उसको तो उन्तीस रूपया फायदा हो रहा है तो उन्तीस रूपए हो अब उसमें लागत ना है उन्तीस रूपए ले जाए ना तो उसने है कुटावे है कुटाइयो तो चौदह रुपये बीस रूपए दे रहे मन में तो उसको का फायदा होगा व्यापारियों को ज़्यादा फायदा नहीं है ना व्यापारी को भी ज़्यादा फायदा ना है छोटा के व्यापारी ना खरीद रहा बड़ा व्यापारी थोड़ी ले जा रहा है कि उसको फायदा है अब दस मन गेहूँ चावल धान खरीदेगा अब सालों पूरा सीजन में खरीदेगा दस मन चाय नहीं है तो उसको का प्रॉफिट होगा अब एक हजार मन खरीदता दो हजार मन खरीदता दो सौ मन खरीदता तभी को बात था कि हाँ भाई चलिए कुछ तो मतलब क्या लग रहा है इस पूरे कंडीशन में जो इतना जो किसान जो है हरियाणा है पंजाब के किसान सब बड़ा बड़ा किसान ना तो दिल्ली जा के आंदोलन कर रहे हैं उसमें आ, क्या लग रहा है वो लोग सही कर, है। आ, लो कर है तो तो रहे हैं वो लोग तो सुनिए रहे है पेपर देखे रहे हैं समझा ना एक किसान के तौर पर तो आ आ बेटी खोज रही बाबू कहा कि हम तो ना देखा हाँ तब वही है पूछे ना है कल तो परसों चुराई ना कितना लागत लगा इतना डेढ़ सौ रुपए इकट्ठा कटनी वाले को दिया डेढ़ सौ रूपयानी वाले को दिया ये मुट्ठी जो बांधा है उसको हाँ एक डेढ़ कट्ठा खेते बांधता है तो का बचेगा तो खेती जिए ला खेत बिका गया बिए ला मर गया फिर से कही खेती किया जिए ला खेत बिका गया बिए ला बिया अच्छा। माने बिचा ला अच्छा। हाँ तो का फायदा हुआ अब सोचा कि हम अपने कर लेंगे अपने लचर गया तो मजदूर से आर हो गया दूसरे का हाँ चाचा सही कह रहे हैं चाचा गड़बड़ा गया पूरा कंडीशन कितना धन किए थे ये सब हम नहीं बोल पाए नहीं बोलिएगा क्या लग रहा है नुकसान हुआ या फायदा हो रहा है खेती में आज के डेट में सारा चीज़ नुकसान है सारा चीज़ में नुकसान है तो मतलब सरकार का नियम क्या जी सरकार का चीज़ हर चीज़ महंगाई है हाँ किसान का चीज़ है सतुआ के भाव है अच्छा तो मतलब जैसे कह रहे हैं कि सरकार जो खरीदती है जो दाम देती है सरकार उससे भराई पुसाई नहीं होता है अब क्या होगा हजार बारह सौ रुपये कुंटल धान लेता है वो भी कहिया पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा अकाउंट में भेजेगा हो सकता है कि आएगा चाहे नहीं आएगा किसान तो मर जा रहा है क्या लगता है जो नई सरकार जो है अभी जो सरकार है वो किसान हित में फैसला ले रही है अभी तक तो हमने ऐसा नहीं सुना है कि फैसला लेगा कि नहीं लेगा कि वापस करेगा कि नहीं करेगा मतलब अभी जो सरकार है वो जो भी फैसला ले रही है क्या लगता है आपको कि किसानों के हित में होता है किसानों की अच्छाई के लिए होता है फैसला सर नहीं होता नहीं होता है नहीं, होता। नहीं। तो आप लोगों का तो मतलब अच्छा बताइए जैसे पैसा का तो जरूरत होता होगा हर चीज़ के लिए पैसा का मेन स्रोत क्या है कहाँ से लाते हैं पैसा पैसा तो कमाए तो हुआ न तो नहीं कमाए कहाँ से खेती में कमाए खेती में बेनिट हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो गया घर से पूंजी घर से पूंजी मतलब क्या लगता है कि अब जैसे पढ़े लिखे लोग जो है जिनके पास अलग संसाधन है उसको खेती में आना चाहिए आप अपने बच्चे को बनाइएगा किसान बनाइएगा बच्चे क्यों किसान बनाएंगे एक तो हम मजदूरी करके करते भर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो बाल बच्चा के दूसरे स्रोत पढ़ाई लिखाई ही न करेंगे देखिए अगर आप कुछ भी कर लीजिए कितना भी पढ़ लीजिए डॉक्टर बन जाइए इंजीनियर बन जाइए सरकारी सेवा में आ जाइए कहीं भी चले जाइए इंग्लैंड अमेरिका कहीं भी चले जाइए आपका जो है आवाज़ जब भी निकलेगा अगर आप खड़े होंगे तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी तभी मिलेगी जब आप खाएँगे और खाएँगे क्या तो जो यही जो अन्नदाता भाई लोग हैं आप इधर चच्चा देख रहे हैं यही अन्नदाता लोग जो उपजाते हैं वही आप खा पाएंगे और देश की व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि अन्नदाता अपने बच्चों को जो है एक किसान नहीं बनाना चाहता है कोई अब समझिए ना इस तरह का जो सिस्टम है चाचा सीधे कह रहे हैं कि पूरा खेत लगाए इतना दिन मेहनत किए सब कुछ होने के बावजूद जो है इतना ही मिल पाता है जिससे हम बस अपना घर का पेट भर सकते हैं अगर बेच भी पाए तो कितना दाम मिलेगा हज़ार रुपये क्विंटल और उतना में अगर आप समझिए ना कि उन्होंने ये सीधे करें अगर किलो के हिसाब से देखें तो एक रुपये जो है आ, किलो में दाम लगता है और मार्केट में वही चावल जो है बीस रुपये के आसपास मिलता है भैया सीधे कह रहे हैं कि किसानी जो है अब बिल्कुल भी फायदा का जो है सौदा नहीं है अगर किसी को दूसरा स्रोत मिलता है तो वही करना चाहिए है ना क्या जी बीस एक हजार एक बीघा में लागत हो ले उसमें समझिए कि दो हज़ार नहीं आया बीस हजार में दो हजार नहीं आया नहीं आया घर में कितना बच्चा है पाँच बच्चे बेटी कितनी है चार एक बच्चा है शादी ब्याह सब कुछ ले तो इसी पे डिपेंडेंट है हाँ तो ये सब इस पर इसी पर ना, पर ना। तो कैसे काम चलेगा बीस हज़ार लागत है दो हज़ार मिलता है अब उसके लिए तो फिर दूसरा व्यवस्था ही करेंगे फिर बेचेगा मजदूरी करेंगे ईटा पटल खेत अपना खेत है या नहीं के बेचेंगे हम तो अब मतलब दूसरा साधन है मजदूरी मजदूरी खेती गृहस्थी छोड़ के ही अच्छा है कि कमा के खा लीजिए बाल बच्चा को पढ़ा लीजिए क्या चीज में कमाइए लेबर में लेबर मकान बनाइए कुछ कीजिए या पेंटिंग का काम किए पेंटिंग का काम देखिए ना जिनके पास ज़मीन है वो भी परेशान है जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी परेशान है परेशान किस चीज़ से व्यवस्था से परेशान है तो बात सारी यही है कि व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए जो आज इस तरह फटेहाल बैठे हुए हैं इस तरह से चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्या आपको क्या लग रहा है चाचा फायदा है किसानी में फायदा क्या है घाटा है कि फायदा फायदा क्या घाटा है सरकार, है कुछ सरकार कुछ नहीं खेती तो में लगाइए डूबिए डूबता है कभी बारह से दह गया धान हुआ तक ऐबे लग गया यह सब तो होता है कोई फायदा तो है नहीं सरकार ने जो है देने के लिए कहता। बीज जो है सत्तर रुपये किलो गेहूं के बीज मिलता है सरकार के आ, बेचा जाए तो कैसे पड़ेगा तो जो है कि घड़ी चौदह सौ रुपये कुंटल धान लेगा चौदह सौ रुपये कुंटल गेहूं लेगा है? और सत्तर रुपये बीज बुनेगा क्या फायदा है फायदा कुछ नहीं फ़ायदा है पूंजीपति बड़े बड़े व्यापारी खरीद के रख दिया वो आपको बेचेगा उनका वो। रख के स्टोर कर लिया कर आप उसके हिसाब से चलना होगा मतलब मतलब सिस्टम देखिए ना कितना मजेदार है कि आप उपजाए आप बच्चा की तरह पाल पोस के बड़ा आप करें फायदा कोई और कमाए मजाक कोई और लो मजाक और कोई ले मजाक कोई और सरकार को ध्यान देना चाहिए ना सरकार तो मान लेते हैं कोई भी सरकार आता है तो गरीब के नीचे स्तर से देखता है कोई भी सरकार अभी हमारे गली है पसवान का गली जाइएगा तो देखिएगा तो कहिए कैसा गली है नरक है हाँ व्यवस्था पूंजीपति के सरकार बीजेपी के बने तो वो और ख़राब हो गए और खराब हो गया, गया बीजेपी का सरकार बीजेपी के और सब देखिए ना बीजेपी का रोड बन गया पास हो गया ये रोड बन गया पास हो गया बिल निकल गया बोर्ड लग गया लग गया, हाँ, लग लग गया। बना रोड नहीं बना। नहीं बना नहीं बना देख, बना। देख रहा है ना देख रहे है हाँ रोड नहीं बना यह सरकार का है अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे को घंटी बात ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर वह मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट करी नाइन थ्री एट सिक्स एट वन सिक्स सेवन डबल जीरो धन्यवाद